नमस्कार अजय द्विवेदी जी। सर आपका माइक अपने गुरुजी सबसे फिर से डिस्टर्ब कर रहा था, तो उसको मैंने अभी म्यूट कर दिया है, और जैसे सही होता है सर तो आप फिर से प्लीज़ ऑन हो जाइएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। तो मित्रों, कल हमने आप देखे थे लामीज़ थ्योरम के कंसेप्ट, और कल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई किसी ट्रायंगल में तीन फोर्स काम कर रहे होते हैं और वो बल बंद निकाय बना रहे होते तो वहाँ भी लामीज़ थ्योरम लगेगी। कल मैंने लामीज़ थ्योरम के आपको बहुत बेहतर बेहतर क्वेश्चन कराए हैं, और कहाँ तक चल गए थे उसके आगे चलेंगे आज हम। तो यस, चलिए ये हो गया था, क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बता दिया था, और आज हम प्रक्षेप गति और संवेग संरक्षण, प्रक्षेप गति के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो है संदेह संवेग संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक मैं आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने प्रक्षेप गति पढ़ाई है, मैं एक बार फिर से प्रक्षेप गति के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स आपको बता देता हूँ, जिससे कि प्रक्षेप गति आपको समझ में आ जाए। तो प्रक्षेप गति से जो PGT में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, और जो TGT में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आसान हुआ करते हैं। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन करें तो ये ज़रूर देख लें पुराने समय में आया हुआ कि वो PGT का है या TGT का है। PGT के क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट रहेंगे, जैसे ये जी जी जी, थैंक यू बताने के लिए। स्क्रीन अभी मैंने रिप्रेजेंट, जी हाँ स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ, धन्यवाद आपने बताया मुझे, भूल गया था। तो मित्रों, जैसे कल मैंने ये क्वेश्चन कराया था, ये जो है क्वेश्चन है ये PGT में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगा होगा, और इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी डायरेक्टली, इसकी शॉर्ट ट्रिक हुआ करती, इसको आप याद कर सकते हैं इस रिज़ल्ट को A/B। तो मित्रों ये बताइए कि प्रक्षेप में क्या हम एक बार और सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लें, क्या इसकी आवश्यकता है कि नहीं है? ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। तो प्रक्षेप में हम एक बार फिर से आज प्रक्षेप की गति, प्रक्षेप गति को एक बार फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और प्रक्षेप गति में पूरा आपको एक बार फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे आप कहते हैं प्रक्षेप गति। तो सबसे पहला शब्द आता है प्रक्षेप, क्या होता है प्रक्षेप का मतलब होता है जो क्षैतिज नहीं है। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, प्रक्षेप गति मतलब ऐसी गति जो क्षैतिज नहीं है, मतलब जिसमें गति जो है वो पृथ्वी के तल के समानांतर नहीं हो रही है, ऐसी गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। तो प्रक्षेप गति का मतलब ऐसी गति जो क्षैतिज नहीं है, क्षैतिज नहीं है, और जिस पर, तो हम जो गति पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप गति में, हमारे पास दो प्रकार की प्रक्षेप गति होनी है मित्रों। तो सबसे पहला हमारे पास प्रक्षेप है जिसका नाम है तिर्यक प्रक्षेप, और दूसरा जो प्रक्षेप है जिसका नाम है क्षैतिज प्रक्षेप। जी हाँ, तो याद रखिएगा, एक है हमारे पास तिर्यक प्रक्षेप, और दूसरा जो प्रक्षेप है हमारे पास वो है क्षैतिज प्रक्षेप। दो प्रकार के प्रक्षेप हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, एक है तिर्यक प्रक्षेप और एक है हमारे पास में क्षैतिज प्रक्षेप। तिर्यक प्रक्षेप में क्या होता है, तिर्यक प्रक्षेप में ये हुआ करता है कि ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए आप किसी गोले को, मिसाइल को, कोई भी प्रक्षेप, गोला, बारूद, उसको आप दागते हैं। याद रखिए यहाँ पर ये कोण है थीटा, थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ फायर, फायर मतलब किसी चीज़ को दागना, दागने का कोण एंगल ऑफ फायर, और इसका प्रारंभिक वेग होता है यू। बहुत अच्छे समझिएगा, आज मैं बहुत आसान से सरल शब्दों में धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा।
तो यू वेग से आपने फायर किया तो इसका क्षैतिज दिशा में जो घटक टूटेगा यू एक्स जिसे कहते हैं वो होगा यू कॉस थीटा। बच्चों अब आप एक चीज़ समझिए, एक्स दिशा में कोई भी प्रकार का त्वरण नहीं है क्योंकि गोला बंदूक से या तोप से निकलने के बाद पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, तो एक्स दिशा में किसी प्रकार का त्वरण नहीं है, अर्थात एक्स दिशा का त्वरण कितना है? जीरो। परंतु वाई दिशा की गति देखिए, वाई दिशा में यहाँ पर यू वाई मतलब वेग का, प्रारंभिक वेग का जो वाई कंपोनेंट होगा वो होगा यू साइन थीटा। बच्चों आपको पता है कि ये गति गुरुत्व के अधीन हो रही है और गुरुत्वीय त्वरण हर अवस्था में माइनस जी होता है, तो जो कि धरती की तरफ लगता है, तो यहाँ पर गुरुत्व के अधीन गति हो रही है तो वाई दिशा में त्वरण क्या लगेगा? माइनस का जी। मतलब एक्स अक्ष की जो दिशा की गति है, एक्स अक्ष दिशा में ये जो गति हो रही है प्रक्षेप की, वो एक समान गति है। एक समान गति क्यों है आप जानना चाहेंगे? तो एक समान गति इसलिए है क्योंकि त्वरण जीरो है, मगर वाई दिशा में जो गति हो रही है वो एक समान गति नहीं है, वो त्वरित गति है। तो वाई दिशा की जो गति है वो त्वरित गति है क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है। तो यदि आप कहेंगे कि किसी भी बिंदु पर त्वरण जीरो है यहाँ पे, तो हर बिंदु पर एक्स दिशा का वेग समान रहेगा। मान लीजिए मैं इस बिंदु पर एक्स दिशा का वेग निकाल रहा हूँ, यस, तो कैसे निकालूंगा? प्रारंभिक वेग यू एक्स है और अंतिम वेग मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ किसी बिंदु पर, तो मेरे पास तीन समीकरण होते हैं बच्चों त्वरित गति के। अब वो त्वरित गति के तीन समीकरण आप याद कर लें क्योंकि उनका याद होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक समीकरण होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये होता है। तो जहाँ पर जो चीज़ें आपको निकालनी हो वो चीज़ें आप यहाँ पर निकालते जाइए। अब मान लीजिए हमको x दिशा में अंतिम वेग निकालना है t समय के पश्चात, तो मैं लगाऊंगा पहला वाला समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी, क्योंकि x दिशा की बात है तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू समय t। तो वी एक्स यू एक्स की वैल्यू बच्चों हमने बताई है u cos थीटा, ए एक्स मैंने आपको बताया है जीरो इंटू t। तो ए एक्स क्यों जीरो? क्योंकि x दिशा में किसी भी प्रकार का त्वरण काम नहीं कर रहा है, x दिशा में कोई इसको धक्का नहीं मार रहा है, जो धक्का लग रहा है वो वाई दिशा में लग रहा है, और वो धक्का कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रही है गुरुत्वीय त्वरण जी से, तो इसलिए इसका वेग हर समय समान रहेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रक्षेप गति में, तिर्यक प्रक्षेप में वेग का कौन सा भाग सदैव समान रहता है? आंसर है हॉरिजॉन्टल घटक, यानी कि क्षैतिज घटक वेग का हर वक्त सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या काम करेगा बच्चों? यू कॉस थीटा। यहाँ पे भी क्या काम करेगा? यू कॉस थीटा। यहाँ पे भी क्या काम करेगा? यू कॉस थीटा। यहाँ पे भी क्या काम करेगा? यू कॉस थीटा। हर मोमेंट पर प्रतिपल हर क्षण यू कॉस थीटा काम करेगा, यू कॉस थीटा बराबर रहेगा। मतलब जो क्षैतिज रफ्तार है प्रक्षेप की शुरुआत से लेकर के अंत तक वही की वही बनी रहेगी, परंतु जब प्रक्षेप आप नीचे से फेंकेंगे तो ऊपर जाने पर इसकी जो ऊर्ध्वाधर वेग है पहले ये घटेगा और इसके बाद फिर से ये बढ़ेगा। जी हाँ, और आपने u वेग से प्रक्षेप को दागा था तो ये वापस टकराते समय भी इसका वेग कितना होगा? u ही होगा, याद रखिएगा। U कुल वेग इसका U था, तो टकराते समय इसका वेग भी कितना होगा? U ही होगा। ये आप प्रूफ कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि टकराते समय कुल वेग इसका U होगा। U मतलब परिणामी वेग, तो मतलब दागते समय का वेग बराबर टकराने का वेग, मतलब जिस वेग से आप प्रक्षेप को दागेंगे ये प्रक्षेप जो है उसी वेग से
अर्थ पर जाकर के टकराएगा। तो आइए देखते हैं, अब समय आ गया है वाई दिशा का घटक निकालने का। तो वाई दिशा का वेग का घटक निकालते हैं, फिर से वही फॉर्मूला वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। बात हो रही है क्योंकि वाई दिशा की, तो सारे सबस्क्रिप्ट यानी कि नीचे लगने वाले चिन्ह वाई के हो जाएंगे, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। समय टी के बाद वी वाई दिशा का वेग यू वाई, यू वाई मतलब प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग वाई दिशा का कितना है, यू साइन थीटा है। ए वाई कितना है, एक्सेलरेशन त्वरण वाई दिशा में, देखिए जी माइनस जी लगेगा। क्यों लगेगा माइनस जी, आप कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे कि सर प्लस जी लेते थे हम 12वीं क्लास में, यहाँ पे माइनस जी क्यों ले रहे हैं। तो प्लस जी और माइनस जी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है मित्रों, समझिए इसको, आपने जो ऊपर की तरफ ऊपर की दिशा को आपने प्लस माना है, आपने जो वेग लिया है यू वाई, यू वाई यू साइन थीटा आपने प्लस माना है, और गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की तरफ लगता है। तो अगर ऊपर की क्वांटिटी आपकी प्लस है तो नीचे की क्वांटिटी, नीचे की राशि को आपको माइनस मानना पड़ेगा, तो यू वाई माइनस जी टी। तो इस तरीके से फाइनल वेग वाई दिशा का वेग कितना आ गया, यू साइन थीटा माइनस जी टी। नोट कर लीजिए, तो हमारे पास दो वेग आ चुके हैं, एक है वी एक्स और एक है वी वाई। तो वी वाई कहाँ काम करेगा, प्रतिपल नीचे की तरफ काम करेगा वी वाई, ये। तो एक हमारे पास हो गया वी एक्स और एक हमारे पास हो चुका है वी वाई। जी हाँ, तो मतलब यदि मैं किसी भी क्षण की बात करूँ प्रोजेक्ट के दौरान, तो किसी भी क्षण पर दो वेग काम करेंगे, जैसे ये है तो एक यहाँ पर काम करेगा वी एक्स जो कि यू एक्स ही है, और एक काम करेगा वी वाई। नोट कर लीजिए, तो एक आपके पास में वी वाई कार्य करेगा। तो दो वेग हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, एक वी एक्स और एक वी वाई। तो यदि मैं बात करूँ कि मुझे चाहिए है कुल वेग, कुल वेग, तो v इक्वल टू सदिश का रूल क्या कहता है बच्चों, सदिश का रूल कहता है कि कुल सदिश अलग अलग घटकों के योग के बराबर होती है। तो x दिशा का जो घटक लग रहा है वो है वी एक्स, तो ये बन जाएगा वी एक्स आई कैप। y दिशा का घटक लग रहा है क्या, वी वाई जे कैप। मित्रों जहाँ पे भी डाउट हो मुझे रोक करके पूछिएगा, अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो ये आपकी गलती है, ठीक है ना। अब प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जितना मुझे आता है। तो वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप, एक्स दिशा का घटक वी एक्स है, वाई दिशा का घटक वी वाई है। तो वी का सदिश इक्वल टू वी एक्स कितना निकला दोस्तों, वी एक्स है यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा आई कैप। और वी वाई कितना निकला है मित्रों, वी वाई निकला है यू साइन थीटा माइनस जी टी का जे कैप। ये हो गया हमारा परिणामी वेग का सदिश रूप, तिर्यक प्रक्षेप में परिणामी वेग का सदिश रूप। अब आप मुझसे बोलेंगे v का परिमाण क्या है, परिमाण यानी कुल v कितना लगेगा, मात्रा में बताइए। तो इसकी मात्रा के लिए आप इसका परिमाण निकालेंगे, और आई होप सभी को पता होगा, मैथ्स वाले सभी स्टूडेंट हैं सबको पता है कि यदि कोई सदिश a होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो सदिश ए का परिमाण आता है अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। नोट कर लीजिए, ये कुल वेग है, परिणामी वेग है, किसी भी बिंदु पर परिणामी वेग, समय टी पर परिणामी वेग है ये, नोट कर लीजिए। बोलिए समझ में आ गया, यहाँ तक मैंने कुछ बताया जितना भी आपको, सब कुछ क्लियर है मित्रों, जवाब दीजिए एक बार, माइक अपना अनम्यूट करके जवाब दीजिए। आप जवाब देते हैं तो मनोबल, सर 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 सूरज सर, आपका मोबाइल को क्या हो गया है, बिल्कुल समझ में नहीं आया मेरे को, है ना, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, आपका मोबाइल में शॉर्ट हो रहा है,
ईयर प्लग शॉर्ट, ईयरफोन शॉर्ट सर हुआ। एकदम सही है सर, समझ अच्छा लिए हम लोग अच्छे से। अच्छा अब आइए सर, क्लियर आवाज़ सर, क्या सर अभी बिल्कुल वैसे सही आ जी गई जी है। ठीक है जी सर, सर, प्लीज कंटिन्यू जी सर, तो ये हमारे पास वेग हो गया है मित्रों। अब यदि हमसे कहा जाए कि वेग की दिशा, फाइनल वेग जो है उस वेग की दिशा बताइए। सर फिर से प्रॉब्लम होने लग गई, माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ सर, सर सूरज सर अभी फिर से प्रॉब्लम हुआ था, माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज़। अभी ठीक है सर, थैंक यू सर। तो ये देखिए, अगर मैं बोलूँ कि परिणामी वेग की दिशा बताइए, तो देखिए परिणामी वेग की दिशा मित्रों ये वाली निकलेगी क्षैतिज के साथ, इसको बोलेंगे अल्फा। तो आप ध्यान से देखिए कैसे निकलेगी दिशा, ये वेग है वी एक्स और ये वेग है मित्रों वी वाई, और ये अपना निकल चुका भाई साहब परिणामी वेग। और अगर परिणामी वेग की दिशा मुझे बताना है तो मुझे ये कोण बताना पड़ेगा अल्फा। तो टेन अल्फा बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब क्या है वी वाई है, और आधार कितना बनेगा वी एक्स, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कितना वी वाई बटे वी एक्स। तो टेन अल्फा बराबर वी वाई का वैल्यू पुट करिए, वी वाई आया है यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन वी एक्स, कितना बनेगा यू कॉस थीटा। मित्रों मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहूँगा, प्रक्षेप गति के फॉर्मूले आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। टीजीटी के पेपर में प्रक्षेप गति के सीधे फॉर्मूले आते हैं कई बार, क्योंकि उसमें पीजीटी में तो सॉल्व करने को देगा, फॉर्मूला नहीं देता पीजीटी में, बिल्कुल यकीनन फॉर्मूला नहीं देगा, मगर टीजीटी में आपको सीधे सीधे फॉर्मूले दे दिया करता है। तो इसके जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसको याद कर डालिए, इसका पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा इसके फॉर्मूले का। मेरा नंबर आपको यूट्यूब जो लिंक देता हूं मैं उस पर आप ले लीजिएगा, तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगा जी। मैं मेरा आप लोग नंबर नोट कर लीजिए, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। जिन लोग को पीडीएफ नहीं मिला है वो मेरे से मांग लीजिएगा, मेरा नंबर है 9425184292। मैं प्रक्षेप गति के पूरे पीडीएफ विद क्वेश्चन आंसर आपको शेयर कर दूंगा, आप इससे कर लीजिएगा हिंदी माध्यम में, ठीक ना। अंग्रेजी माध्यम के बन चुके हैं, हिंदी माध्यम के बना के एक दो दिन में शेयर कर दूंगा मित्रों। चलिए तो ये अपन अपने सबसे पहली अपन ने चीज़ क्या पढ़ी मित्रों, मित्रों जो सबसे पहली चीज़ अपन ने पढ़ी आज वो पढ़ी परिणामी वेग, दूसरा परिणामी वेग की दिशा टेन अल्फा। अब आइए मित्रों दूसरी बात पढ़ते हैं, दूसरी बात अपन पढ़ते हैं जिसका नाम है उड़ान काल। उड़ान काल को ही बोला जाता है उड्डयन काल, इसे ही उड़ान काल बोलते हैं, इसे ही उड्डयन काल बोलते हैं इंग्लिश में, इसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। मतलब प्रक्षेप अपनी पूरी यात्रा के दौरान कितनी देर हवा में रहता है, इसको बोलते हैं इसका उड़ान काल। तो मित्रों इसका उड़ान काल दो पार्ट में आप निकाल सकते हैं, एक ऊपर उठने का समय T1 और नीचे दूसरा नीचे जाने का समय T2। तो मित्रों यहाँ पर T1 और T2 ऊपर और नीचे जाने का समय है, और फॉर्मूला याद कर लें, T1 होता है यू साइन थीटा बाई जी। आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे कि सर ये क्यों आता है तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्यों आता है। आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनको हम याद कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पूछेंगे सर यही क्यों आता है T1, तो मैं बता दूंगा कि यदि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर इस पॉइंट पर फाइनल वेग कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ऊपर की तरफ जाने वाला वेग कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कण जो है, कण की जो ऊपर जाने वाली वेलोसिटी यानी ऊर्ध्वाधर वेग जो होता है, उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग जीरो होता है। और आप जानते हैं कि वी बराबर होता है यू प्लस ए टी, और वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। क्या कर दिया ये सर ने, सारे समीकरण वाई दिशा में लिख रहे हैं, तो वी वाई उच्चतम बिंदु पर वी वाई की वैल्यू जीरो, यू वाई यू साइन थीटा पढ़ा चुका हूँ, प्रारंभिक वेग यू साइन थीटा, ए वाई माइनस जी,
उच्चतम बिंदु तक का पहुंचने का समय टी, तो इसको यहाँ ले जाइए, तो माइनस यू साइन थीटा बराबर माइनस का जी टी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो टी बराबर आ गया यू साइन थीटा अपॉन जी, यानी कि नीचे से ऊपर तक का समय। तो कुल समय कितना होगा, जितना नीचे से ऊपर जाने का उतना ऊपर से नीचे आने का, तो कुल समय कहलाता है उड़ान काल कैपिटल टी। टाइम को दोगुना कर दें, टू यू साइन थीटा बटे जी, ये कहलाता है आपका उड्डयन काल, टू यू साइन थीटा बटे जी, मतलब पूरा पूरा समय जो लगा पूरी यात्रा के दौरान, इसे कहते हैं हम उड़ान काल, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब और जानिए, पूरी यात्रा के दौरान कण एक समय था जिस पर ये अपनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त किया है, उस अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए जो डेरिवेशन होता है h का फॉर्मूला नोट कर लें, तो h का फॉर्मूला होता है अधिकतम ऊंचाई, तो पहले मैंने t का फॉर्मूला लिखा, उड़ान काल t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 2g। पूरी यात्रा के दौरान, पूरी यात्रा के दौरान कण ने क्षैतिज दिशा में जो दूरी तय करी है, इस दूरी को बोलते हैं हम r। क्या दूरी को बोलते हैं, इसको हम r। तो क्षैतिज दिशा में जो दूरी तय करी है वो दूरी हुआ करती है, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी r इक्वल टू, इसे बोलते हैं क्षैतिज परास, ये होती है अधिकतम ऊंचाई, और r का मतलब होता है क्षैतिज परास। तो r होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मेन यही फॉर्मूले हैं r t h, और एक होता है मित्रों प्रक्षेप का समीकरण, प्रक्षेप पथ का समीकरण। तो प्रक्षेप पथ का समीकरण याद कर लीजिए, y बराबर x tan थीटा माइनस वन अपॉन टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद कर ले, ये चार फॉर्मूले हैं, जितने भी अन्य फॉर्मूले बनते हैं वो इन्हीं चार फॉर्मूलों से ही बनेंगे आपके पास में। एक फार्मूला और मेरी तरफ से आपके लिए, क्या है वो फार्मूला, आर तथा एच में संबंध, आर व एच में संबंध है, आर बराबर एच टेन थीटा, आर बराबर एक मिनट, आर टेन थीटा बराबर फोर एच, ये होता है, ये नोट करिए, ये आर और एच का संबंध है, आर टेन थीटा बराबर फोर एच। मैंने 12वीं क्लास में इस संबंध को ऐसे याद किया था, रतन चोर है, रतन चोर है, तो चार है को मैंने चोर कर लिया, आर का मतलब आर, टेन थीटा का मतलब टन, चोर को मैंने चार समझा, और h का मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये फार्मूला मुझे तब से कभी नहीं भूल रहा है 11वीं क्लास से, रतन चोर है और रतन आज भी चोर है, ठीक है। तो r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। तो मित्रों ये हो गया, और बाकी शॉर्टकट नए नए फार्मूले इस चैप्टर से जो भी हैं वो बनते रहेंगे, हजारों फार्मूले बनाए जा सकते हैं, बट जब क्वेश्चन आएगा, सर आपकी आवाज़ शॉर्ट हो रही है, सर आपकी आवाज़ शॉर्ट हो रही है, हाँ सर, तो आपके बहुत सारे फॉर्मूले बनते रहेंगे, मगर वो क्वेश्चन जब आएगा तो हम वो फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे आप कहें कि सर एक फार्मूला बनता है कि प्रक्षेप को 45 डिग्री से ऊपर थीटा कोण कर फेंको, या प्रक्षेप को 45 डिग्री से नीचे थीटा कोण पर फेंको, प्रक्षेप की जो परास होती है समान होती है,
तो ये फॉर्मूला भी हम पहले बना चुके हैं कि आर 45 प्लस थीटा कर दो इक्वल टू आर 45 माइनस थीटा, तो ये फॉर्मूला भी है नोट कर लें। तो ये हो गया यहाँ पर तिर्यक प्रक्षेप पूरा, तिर्यक प्रक्षेप यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब तिर्यक प्रक्षेप में कुछ भी इसके अलावा बचता नहीं है। अब इसके क्वेश्चंस आएंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको इसके क्वेश्चंस की याद दिलाऊंगा, ठीक है ना, तब मैं आपको इसके क्वेश्चंस अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से करवाऊंगा। अभी बारी है क्षैतिज प्रक्षेप की। अब आइए बच्चों हेडिंग डालते हैं क्षैतिज प्रक्षेप। मित्रों क्षैतिज प्रक्षेप, तो मित्रों क्षैतिज प्रक्षेप में क्या क्या होता है हमारे जेब में? मित्रों क्षैतिज प्रक्षेप में हमारे पास होती है एक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h, और मित्रों क्षैतिज प्रक्षेप में हमारे पास होती है एक वेग, क्षैतिज वेग u, और g तो लगेगा ही, उसे कोई हटा नहीं सकता है। तो आइए देखते हैं, ये हमारे पास जमीन है, ये ग्राउंड है, इस h ऊंचाई पर बैठ करके मैंने किसी प्रक्षेप को u वेग से फेंका। चौक रखिए, एक टेबल पर चौक रखिए, एक टेबल पर एक चौक रखिए और इसको यहाँ से नाखून से चटक मारिए, तो देखिए इस चौक का पथ कुछ इस तरीके से होगा। मित्रों एक बात मैं बताना आपको भूल गया, मैं बात आपको बताना ये भूल गया कि जितना फॉर्मूला आपने तिर्यक प्रक्षेप के लिए निकाला है, ऊपर ऊपर जो प्रक्षेप मैंने आपको पढ़ाया उस प्रक्षेप का नाम था मित्रों तिर्यक प्रक्षेप। तो मित्रों जो फॉर्मूले आपने तिर्यक प्रक्षेप के लिए निकाले हैं, अगर इन सभी फॉर्मूलों में मित्रों थीटा बराबर 90 अंश कर देंगे तो ये सभी फॉर्मूले बन जाएंगे एक विमीय गति के, एक विमीय गति, वो भी किसमें, गुरुत्व में। तो आइए देख लेते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री, ऐसा क्यों, समझ लीजिए बहुत ही आसान बात है, बहुत लोग समझ में गए होंगे। भाई अगर आपने थीटा कुछ ना कुछ दिया है तो ये प्रक्षेप गति है, मगर थीटा बढ़ा करके अगर आपने 90 डिग्री कर दिया तो वस्तु ऊपर जाएगी और उसी पाथ को भ्रमण करते हुए वस्तु फाइनली नीचे आएगी। मतलब थीटा बराबर 90 करने पर ये गति पूर्णतः एक विमीय हो जाएगी। और आइए देखते हैं उस समय जो उड्डयन काल होगा टी इक्वल टू 2u साइन 90 अपॉन जी, मतलब नीचे बचेगा 2u बाई जी। तो एक विमीय गति में जो समय लगता है वो होता है 2u बाई जी। तो सवाल उठता है कि अगर आपने किसी हल्के पिंड को और एक भारी पिंड को आपने जमीन से समान वेग पर फेंका है तो पहले कौन सा पिंड जमीन को टकराएगा? बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देंगे सर हल्का वाला टकराएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जमीन पर टकराने के लिए वापस आने का जो समय होता है वो एक विमीय गति में 2u बाई जी है, कहीं पर भी द्रव्यमान का कोई टर्म नहीं आ रहा है, मतलब द्रव्यमान कहीं से प्रभावित नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो है कि जो उड़ान काल है, उड्डयन काल है, वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा और दोनों के लिए समान समय लगेगा। तो चाहे आप सूजी फेंकें या हाथी फेंकें, अगर आपने समान वेग से फेंका है तो दोनों के लिए समान समय लगेगा, बस याद रखिएगा वेग समान होना चाहिए। तो ये हो गया भाई साहब 2u बाई जी। आपको अगर अधिकतम ऊंचाई निकालनी है तो h की जगह यहाँ पे साइन थीटा की जगह 90 रख दीजिए, साइन 90 हो जाएगा 1। तो एक विमीय गति में अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर अपॉन 2g, एक विमीय गति में अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि साइन 90 हो गया 1। अगर आपको क्षैतिज परास्थ निकालनी है
तो डायग्राम से ही समझ में आ रहा है कि क्षैतिज परास जीरो होगी, क्योंकि एक विमी गति में आपने कण को जहाँ से फेंका कण लौट करके वहीं पे आ जाएगा, मतलब क्षैतिज दिशा में कुछ भी नहीं चलेगा। इसका मतलब आर बराबर जीरो हो जाएगा। और वैसे देखना चाहें तो यहाँ पर थीटा की जगह आप रख दें कितना, 90, तो 2 × 90 किस में रखवा रहा हूँ भाई साहब, मैं क्षैतिज परास के फॉर्मूले में, तो क्षैतिज परास में 2 × 90 मतलब 180, और साइन 180 का मान जीरो हुआ करता है। इस तरीके से साइन 180 जीरो हो जाने से आपके पास कण जो है लौट करके वहीं आ जाएगा और परास जीरो हो जाएगी। चलिए, मतलब तीनों फॉर्मूले जो हैं द्विविमी गति से एक विमी गति के बन सकते हैं। आप अगर एक विमी गति का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आपको एक विमी गति का फॉर्मूला नहीं आता है, तो द्विविमी गति के फॉर्मूले में थीटा बराबर 90 रख दें, आपका एक विमी गति का फॉर्मूला आ जाएगा। देर ना करते हुए क्षैतिज परास क्षैतिज प्रक्षेप पढ़ते हैं। तो क्षैतिज प्रक्षेप में प्रारंभिक वेग u, मतलब x दिशा का वेग u है, और y दिशा का वेग कितना है, u y दिशा का प्रारंभिक वेग जीरो है, क्योंकि आपने इस दिशा में कोई वेग नहीं दिया है। परंतु जैसे ही आपने इसको यहाँ से छोड़ा, इस पर गुरुत्वीय त्वरण काम करने लगेगा। गुरुत्वीय त्वरण काम करने की वजह से एक गुरुत्व का बल नीचे लगेगा, और गुरुत्व का बल नीचे लगने की वजह से इसकी गति परवलयाकार पथ में होते हुए फाइनली जमीन को टच कर लेगा। अब क्या उठता है सवाल, सवाल ये उठता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में इसने समय कितना लिया, यानी कि उड़ान काल। दूसरा सवाल उठता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल रेंज। और तीसरा सवाल होता है प्रक्षेप पथ का समीकरण, कि इसका प्रक्षेप पथ का समीकरण बताइए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको निकालता हूँ, क्या निकाल दूँ, प्रक्षेप पथ का समीकरण। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी समय ये प्रक्षेप जो है किसी पोजीशन में है x और y पर, किसी समय इसकी पोजीशन है x और y, मतलब ये जो प्रक्षेप है ये क्षैतिज दिशा में कितना चला है, x चला है, और ये जो प्रक्षेप है ये ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना चला है, y चला है, तो इसलिए इसकी पोजीशन में गई x कॉमा y, और यहाँ तक पहुँचने में समय लगा है t सेकेंड। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले x दिशा में समीकरण लगाते हैं। तो x दिशा में हम समीकरण लगाते हैं, तो x दिशा के लिए फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s x इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी का स्क्वायर। तो एस एक्स एक्स दिशा का विस्थापन है x, एस एक्स मतलब कि x दिशा का विस्थापन, ux कितना है, x दिशा का प्रारंभिक वेग है u, टाइम है t प्लस 1/2। x दिशा में किसी भी प्रकार का त्वरण काम नहीं कर रहा है, क्योंकि x दिशा में वेग नियत है, u है, हमने कोई भी प्रकार का त्वरण नहीं लगाया है, इसलिए x दिशा का त्वरण जीरो हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, ut, तो t बराबर कितना आ गया, x बाई यू। ये आ गया वो समय जिस पर वस्तु x दूरी चल चुकी है। जिस समय वस्तु x दूरी चली है क्षैतिज में, उसी समय वस्तु y दूरी पर पहुंच चुकी है ऊर्ध्वाधर में। तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी sy इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। ये क्या है भाई साहब, ये बता रहा है समीकरण y दिशा का, ये y दिशा का समीकरण है, ये y दिशा का समीकरण है एस वाई, वैसे था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैंने इसको y दिशा में लिख दिया, तो एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। तो एस वाई y दिशा का विस्थापन है y, u y y दिशा का प्रारंभिक वेग जीरो,
समय टी यानी कि टी, हाफ की जगह हाफ, ए वाई गुरुत्वीय त्वरण माइनस जी और टी का स्क्वायर। तो देखिए जी वाई इक्वल टू जीरो हो गया माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। जी हाँ वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू जी, टी की वैल्यू है एक्स अपॉन यू, तो एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर। सो वाई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। बच्चों नोट कर लो ये है प्रक्षेप पथ का समीकरण। एक्स स्क्वायर क्या याद दिलाता है? वर्ग समीकरण याद दिलाता है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव है मतलब नीचे की तरफ बनने वाला वर्ग समीकरण। और देख लो ये पैराबोला परवल है, नीचे की तरफ बन रहा है, तो ये परवलय को निरूपित करेगा। ये है इसका प्रक्षेप पथ का समीकरण। नोट कर लीजिए प्रक्षेप पथ का समीकरण डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्या होगा, क्षैतिज प्रक्षेप के प्रक्षेप पथ का समीकरण ये होगा वाई बराबर माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। हाँ ये होगा। अब इस समीकरण को दे करके आपसे u का मान भी पूछा जा सकता है। जी हाँ इस समीकरण को दे करके आपसे u का मान भी पूछा जा सकता है। ऐसा कोई समीकरण आपको दे दिया जाएगा और इस समीकरण को दे करके आपसे u का मान पूछ लिया जाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं करा देता हूँ। चलिए लिखिए दोस्तों, सवाल लिखिए, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिखिए यदि यदि किसी क्षैतिज प्रक्षेप के प्रक्षेप पथ का समीकरण है y बराबर, यदि किसी क्षैतिज प्रक्षेप के प्रक्षेप पथ का समीकरण है y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 20, तो कण का तो प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग क्या होगा? मित्रों सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए माइक ऑन करके बोलिए सवाल समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी प्रारंभिक वेग यू पूछा गया है। जी हाँ प्रारंभिक वेग आपसे यू पूछा गया है। यदि किसी क्षैतिज प्रक्षेप के प्रक्षेप कथ का समीकरण आपको दिया गया है यहाँ पर, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। मित्रों देखिए y दिया गया है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 20 और आप जानते हैं कि प्रक्षेप पथ का समीकरण होता है y बराबर माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। बिल्कुल सही, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, जहाँ पर g की वैल्यू 9.8 होती है, मगर प्रश्न पत्र में सरलता के लिए आप g की वैल्यू 10 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन अगर पास पास में होंगे तो दिक्कत होगी, ऑप्शन दूर दूर हुआ करते हैं इसलिए ज़्यादा मुसीबत नहीं आती है। तो चलिए आइए तुलना कर देते हैं इसका राइट पक्ष दायां पक्ष। माइनस वन अपॉन टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर की तुलना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 20 से, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। मैं रखता हूँ वन अपॉन टू, जी की वैल्यू मैं 10 रखूँगा और यू स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन 20। दो से काटा मैंने, 10 गया 5 बार और 5 नीचे जाएगा तो वन अपॉन यू स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन 20 पंचे 100।
अल्टी पल्टी करके यू स्क्वायर बराबर 100, तो यू बराबर अंडर रूट 100 मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग से पत्थर फेंका जाएगा। बोलिए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? मित्रों बताइए, जवाब दीजिए भाई साहब, क्लियर है? नहीं आया क्या समझ में? तो नहीं बोल दो तो दोबारा बता दूंगा, आ गया है तो प्लीज यस बोल दीजिए। कोई दिक्कत है क्या इसमें? दोनों समीकरणों को मैंने तुलना कर लिया है, तुलना करने के बाद मैंने यू की वैल्यू निकाल दी है। यस, हमारे किसी विद्यार्थी ने माइक ऑन किया, प्लीज बताइए, आ गया समझ में? हाँ हाँ आ गया सर। जी सर। और लोग भाई बता दो, किसी को ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये विद्यार्थी बोलते नहीं है, इससे बड़ा मनोबल गिर जाता है सर। एक मिनट सर, थोड़ा 2 मिनट सबसे वार्ता ही कर लीजिए पहले। हाँ, भाई इनसे एक तो ये बोलते सभी नहीं है। लोग अपना अपना रिस्पांस दिया करिए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ये लाइव क्लास है, आप अपना माइक ऑन करके जस्ट सर को आप टोक कोई सकते हैं बोलता कि ही सर नहीं। यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आया। हाँ जी, आप सभी लोग रिस्पॉन्स करिए भाई कि आपको समझ में आया कि नहीं, बताइए सर पूछ रहे हैं। अब बताइए सर, रिस्पांस नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? भाई इसमें क्या हीना मैम आप बताइए, समझ में आ गया? अनुराग मैं तो हमेशा गुप्ता सर, अनुराग गुप्ता सर आर यू लिसनिंग मी? अपना माइक ऑन करिए आप, अनुराग गुप्ता जी। समझ में आया? ओके ओके ओके। एंड प्रतीक दुबे जी, प्रतीक दुबे सर आप ऑनलाइन ये क्लास में जुड़े हुए हैं। देखिए आप अगर रिस्पॉन्स करेंगे ना तो सर को मोटिवेशन मिलेगा। क्लियर है सर? समझ में आया सर प्रतीक दुबे जी? हाँ। यस सर, क्लियर है। हाँ तो बस एक बार, रीता मैम, हाँ बताइए सर। हाँ बस ऐसे जैसे आप कह रहे हैं ना, तो इन लोगों ने बोला एक एक बार, तो ऐसे मैं जब पूछता बिल्कुल हूँ तो बस बिल्कुल यस रीता सर मैम बोल आप दें। क्लियर बताइए, आर यू गेटिंग है? एवरीथिंग? यस। समझ में आ रहा है ना? हाँ रूपा पाल जी, रूपा मैम आप बताइए माइक ऑन करके। जो पढ़ाए सर सब समझ में आ रहा है ना? श्रुति पांडे जी, मिस श्रुति मैम प्लीज यू रिस्पॉन्स। ओके हाँ सर ठीक है, रिस्पॉन्स ठीक है, बट हाँ आप सभी लोग ध्यान दीजिए एक बात कि अगर सर पूछ रहे हैं तो आप लोग अपना माइक ऑन करके एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो करिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि दोनों तरीके से कम्युनिकेशन चलना चाहिए ना, जिससे कि हम लोग भी समझें कि आप लोग समझ रहे हैं। अब ऐसे ही नहीं कि देखिए हम ऑनलाइन क्लास लें और कोई रिस्पॉन्स ही ना करें। ओके लोकेश सर आ गया सर समझ में, सर आ गया, आप कंटिन्यू करिए सर। जी सर, जी सर। सभी मित्रों मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि आपकी आवाज़, आपका कॉन्फिडेंस मेरे लिए मोटिवेशन है, इसलिए आप लोग प्लीज़ एक बार बताया करिए। और जहाँ भी आपको लगे कि कोई डाउट हो रहा है, कहीं पर मैं इंग्लिश ज़्यादा कर रहा हूँ, कहीं पर मेरी हिंदी समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे वहाँ पे रोकिए, मैं आपकी समस्या बहुत अच्छे से हल कर दूँगा। जितना मुझे बनता है वो पूरा ही बनता है, या तो मुझे कुछ नया बनेगा नहीं, और जो मुझे बनता है उस पे मेरा पूरा कमांड है, आप निश्चिंत रहिए। तो आप पूछेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता दिया आज क्या क्या बताया, मैंने आपको हॉरिजॉन्टल प्रक्षेप का मैंने आपको समीकरण बता दिया। अब दो बातें बचती हैं हॉरिजॉन्टल प्रक्षेप में, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड़ान काल, और दूसरा इसका, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है और दूसरा आपको बताना है इसमें चली गई दूरी कितनी दूरी होगी। तो आइए निकालते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड्डयन काल। तो आइए पहले इसका उड्डयन काल निकाल लेते हैं। इसको सेव कर दूं मैं ये वाली। ये
चलिए तो उड्डयन काल निकालते हैं, तो आपको पता है कि उड्डयन काल के लिए एक वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार होगा। उड्डयन काल मतलब बॉडी कितने देर तक चली, तो बॉडी जब चली ऊपर से लेके नीचे तक तो कुल विस्थापन बॉडी ने कितना ट्रेवल किया, एच। तो और इस विस्थापन को ट्रेवल करने में बॉडी वाई दिशा में चली है, और वाई दिशा में गुरुत्वीय त्वरण क्या लगता है, जी। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं वाई दिशा के लिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वाई दिशा है तो हर जगह वाई लगा दें, एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। एस वाई नीचे की तरफ विस्थापन हुआ है तो एच हुआ है, मगर नीचे की तरफ है तो क्या यूज़ करेंगे, माइनस एच। यू वाई y दिशा का प्रारंभिक वेग कितना है, जीरो इंटू टी प्लस वन बाई टू। ए वाई वाई दिशा का त्वरण नीचे की तरफ है तो माइनस जी, और t का स्क्वायर तो माइनस एच इक्वल टू माइनस जी बाई टू इंटू टी का स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, ये यह चला गया 2h बराबर जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2h अपॉन जी आ चुका है आपका। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें रूट लेना पड़ेगा, तो टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, याद रखिएगा मित्रों 2h अपॉन जी। और यही टाइम ऑफ फ्लाइट आता है जब आप किसी वस्तु को डायरेक्टली ऊपर से नीचे की तरफ फेंकें, यहाँ एक विमी गति में भी टाइम ऑफ फ्लाइट उड़ान काल उड्डयन काल अंडर रूट टू एच बाई जी आता है। कितने मजे की बात है कि चाहे प्रक्षेप पथ हो या सीधा पथ हो, किसी प्रकार का आपकी स्क्रीन, हाँ सर बोलिए सर, बताइए बताइए मैडम क्या समस्या आ रही है, मेरी स्क्रीन में दिक्कत हो रही क्या सर? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके ओके ओके, मुझे तो स्क्रीन में नहीं आ रही सर, ना ही वॉइस। सर प्लीज आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। अच्छा 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 सर, अब दिख रही है सर, अब दिख रही है, अब दिख रही है सर, अब दिख रही है सर, अब दिख रही है सूरज सर। हाँ सूरज सर, हाँ सर दिख, हाँ सर, हाँ मैंने कहा सर एक बस लाइन पे रहिए, मैं एक बार लेफ्ट होके फिर ज्वाइन करता हूँ। आप सभी को स्क्रीन दिखने लगी? हाँ हाँ सर बिल्कुल, या दिखने लग गई बिल्कुल स्क्रीन, सर बिल्कुल स्क्रीन दिखने लग गई क्या, आप दिख रही क्या? हाँ अभी सर दिख रही है सर, मेन स्क्रीन नहीं दिख रही जहाँ कैलकुलेशन हुआ है अभी, अभी हाँ सर दिखने लगी सर। हाँ तो सर नेटवर्क अपने आप, सर्वर डाउन हुआ था, अब सही हो गया। हाँ चलिए सर, हाँ सर लोकेश सर, हाँ सर, सर आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? बहुत अच्छे सुन पा रहा हूँ सर। ये जो डेरिवेशन सर आपने बताया ना, एक बार और समझा दीजिए, क्योंकि जब आप इसको बता रहे थे। हाँ हाँ, हाँ ये सर एक बार फिर से इसको करा दीजिए सर डेरिवेशन। अभी मेरी आवाज और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिख रही सर? लग रहा है सर वॉइस बहुत ज्यादा सर 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 एक... हाँ हाँ सर सारी चीजें एकदम क्लियर हैं सर। Okay. मैं ये कह रहा हूँ सर ये जो डेरिवेशन है इसको एक बार फिर से आप करवा दीजिए। बिल्कुल सर, मैं एक बार फिर से ये डेरिवेशन करवा देता हूँ। देखिए मित्रों, तो y दिशा के लिए एस वाई बराबर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का समीकरण होता है। तो y दिशा के लिए यहाँ पे एस वाई यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। एस वाई वाई दिशा का विस्थापन माइनस एच होता है, क्योंकि हाइट नीचे की तरफ माइनस एच मिलेगी। यू वाई प्रारंभिक वेग, y दिशा में कुछ नहीं है मतलब प्रारंभिक वेग जीरो, टाइम t हो गया प्लस वन अपॉन टू ए वाई माइनस जी और t का स्क्वायर। तो माइनस एच बराबर माइनस जी बाई टू टी का स्क्वायर, तो टू एच बराबर जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बराबर टू एच अपॉन जी, तो t बराबर अंडर रूट टू एच बाई जी। तो कितना आ गया उड़ान काल,
अंडर रूट टू एच बाई जी। बोलिए क्लियर है? बोलिए क्लियर है? उड़ान काल टी बराबर अंडर रूट टू एच बाई जी। बोलिए मित्रों। हेलो सर, ये चीज अभी समझ में नहीं आया। हीना मैम ने लिखा है कि उनको अभी ये कुछ, हाँ सर ये हीना मैम के समझ में नहीं आया, उन्होंने मैसेज में मेंशन किया हुआ है। हीना मैम आप स्पीकर ऑन करके देख लीजिए उनकी प्रॉब्लम को। हीना मैम स्पीकर ऑन करके बोलिए कौन सी लाइन समझ में नहीं आई, और माइक थोड़ा सा पास रखिए मोबाइल का। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी इस वजह से कुछ भी समझ नहीं आया। अच्छा अभी फिर से एक्सप्लेन करूं क्या एक बार मैं? और नहीं नहीं सर कोई नहीं, मैं नोट कर लिया मैंने। नहीं नोट करने वाली बात नहीं है, अभी समझ में आया कि नहीं है आपको? सर एक बार फिर से आप बता ही दीजिए। समझ आ जाएगा सर, एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए तीन बार बताएंगे और अच्छे समझ में आ जाए शायद। चलिए देखिए। नहीं सर को परेशान क्यों करना। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, देखिए s इक्वल टू यू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि हमें विस्थापन लगाना है y दिशा में, तो y दिशा में विस्थापन नीचे की ओर है माइनस h, है कि नहीं है? y दिशा का प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 इंटू टी, और प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना काम करेगा नीचे की तरफ माइनस जी, और समय लगेगा टी स्क्वायर, तो माइनस एच इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2h यहाँ चला गया, 2h इक्वल टू जी टी स्क्वायर, तो 2h अपॉन जी इक्वल टू टी का स्क्वायर, तो समय बराबर अंडर रूट 2h अपॉन जी। कहिए अब क्लियर है कि नहीं है, बताइए मित्रों। सूरज सर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है अब तक? सूरज सर सर नेटवर्क कॉम्प्लिकेशन लगा। जी जी सर, जी सर अब क्लियर है सर? हाँ हाँ सर हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर क्लियर है सर, t is equal to under root 2h upon g क्लियर है सर। जी जी सर, तो 2h upon g आ गया अपने पास उड़ान काल, ये अपने पास उड्डयन काल, और अब इसके बाद निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि क्षैतिज परास। तो ये देखिए यहाँ से आपने प्रक्षेप फेंका है u वेग से, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगने वाला समय है t, जिसका नाम आपने निकाल लिया है अंडर रूट टू एच बाई जी। अब आपको निकालना है क्षैतिज परास मतलब ए दिशा में चली गई दूरी, तो आप जानते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो x दिशा के लिए s x बराबर सर हाँ सर आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है जहाँ से आप दिखा रहे हैं, इसको स्क्रॉल कर दीजिए सर। एक सेकंड, ये चल रही है सर 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 एक सेकंड मैं लोकेश सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही प्लीज मैं, सर मैं लेफ्ट होके फिर से जुड़ रहा हूँ सर, मैं लेफ्ट होके फिर जुड़ रहा हूँ, एक मिनट का वेट दीजिए, मैं लेफ्ट होके फिर से जुड़ रहा हूँ, आपको हाँ। स्क्रीन दिखाई देगी बस। स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं करता तो बड़ा इरिटेशन फील होने लगता है, तो सभी लोग रिस्पॉन्स किया।